Audio Jungle. हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुनील शर्मा आर्ट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आइस को कैसे ड्रॉ करेंगे जो रियलिस्टिक दिखे, इसके बारे में हम पूरे डिटेल से बात करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक देखिए, इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये आइस जो है सिर्फ बिगिनर्स के लिए ही नहीं है, प्रोफेशनल के लिए भी है, क्योंकि वो भी तो चाहते हैं कि हमें और अच्छे से रियलिस्टिक आइस कैसे ड्रॉ करो, ताकि हम कोई भी पोर्ट्रेट बनाए उसमें अच्छा से ड्रॉ कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई बॉल के बारे में। तो ये आई बॉल है और इसके अंदर ये ब्लैक पार्ट आई बॉल का, इसको हम डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। ये है हमारा आई बॉल का वाइट वाले पार्ट, जो बाहर वाले पार्ट है, और ये वाले जो पर्सन है, ये आपने देखा होगा किसी का ब्लू तो किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, तो ये वाले पार्ट है, इनको भी हल्का सा मैं डार्क करता हूँ। अब हम बात करेंगे कि आई का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, हम कितना उसको ओपन रखेंगे या वो कितना ओपन है। तो अब हम इसमें ये जो वाले ब्लैक वाले जो पार्ट है यहाँ तक हम ओपन रखेंगे। तो ये कैसे हम इसका स्ट्रक्चर जो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ हम इतना ओपन रखेंगे और इसके बाद ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, और नीचे का जो पार्ट है ये भी हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, मतलब जो ब्लैक वाले पार्ट है यहाँ इतना ही हमको ओपन रखना है, और फिर वाइट वाले पार्ट जो है वो साइड में है, आपने किसी का आई जो देखा होगा साइड साइड क्या होता है, वाइट रहते हैं, ऊपर भी वाइट रहते हैं, ऊपर क्या हो रहा है आई पल के कारण वो क्या हो रहा है ढक रहा है, और ये साइड में वाइट दिख रहा है, और ये भी, और जितना हमारा जो आई है वो कितना ओपन है, जितना हमारा ब्लैक वाले पार्ट है वहाँ तक ओपन है। अब हम इसको क्या करेंगे कि इरेज कर लेते हैं। और ये हमारा आई पल जो है, ये हमारे वाइट वाले जो पार्ट थे उनके हिसाब से ही डिसाइड होगा कि हमारा जो ये पल है कहाँ पे होंगे, वो ये ऊपर भी और नीचे भी उसी पे डिसाइड होता है। तो यहाँ तक जो आपने देखा ये एक डेमो था। अब हम स्टेप बाय स्टेप आई का जो है वो कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा उस पर हम बात करेंगे, कैसे हम शुरू से बनाएंगे जो रियलिस्टिक दिखे उस पर हम डिटेल से बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जितना बड़ा आई को ड्रॉ करेंगे उतना बड़ा हम सबसे पहले लाइटली रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, और उसको चार बराबर भागों में बांट देंगे, ताकि जो हमारे ड्रॉ करेंगे उस थोड़ा और अच्छा मतलब समझ सकें। जिसके हमने ये चार बराबर भागों में बांट दिया। अब हम ये फोर वाले जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और सेकंड वाले लाइन को टच करते हुए थर्ड वाले लाइन के यहाँ लास्ट तक लाएंगे। उसके बाद नीचे वाला जो लाइन होगा वो यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये फाइव वाले लाइन यानी लास्ट वाले लाइन जो है यहाँ से घुमा के यहाँ तक लाएंगे और इसको मिला देंगे। अब हमारा आई का जो स्ट्रक्चर है वो बन गया है। अब ये हमारा जो रेफरेंस लाइन है ये सबको हम इरेज कर देते हैं। ये जो आई बॉल है उसका जो साइज होगा कुछ यहाँ तक होगा, और उसके बाद हमारा अंदर में जहाँ तक हमारा आई ओपन है वहाँ तक हमारा ब्लैक पार्ट होंगे, यानी जो जिसका किसी का देखेंगे कि ब्लू रहते हैं ब्राउन रहते हैं वो वाले पार्ट जो है यहाँ तक रहेंगे, यानी जहाँ तक हमारा आई खुला हुआ है, और उसके अंदर फिर ये वाला ब्लैक वाला पार्ट। ये जो लाइन है ये सर्कुलर टाइप में होंगे तभी देखने में अच्छा लगेंगे, यानी सारे जो लाइन है एक फॉर्म में होंगे सर्कुलर टाइप में तभी देखने में रियलिस्टिक लगेंगे।
अब ये जितने भी रेफरेंस लाइन है सबको इरेज करेंगे। और हमने पहले भी बात किया था कि ये जो आई पल है, ये हमारे जो आई बॉल के वाइट वाले पार्ट हैं उनके उन पे ही डिसाइड करते हैं ये हमारा जो आई पल कहाँ पे ड्रॉ होंगे। तो ये नीचे भी और ऊपर भी उसी पे डिपेंड करते हैं। अब हम इसमें शेडिंग करेंगे। शेडिंग हम एक्सटर्नल पार्ट जो कि वाइट पार्ट है इसको कवर करेंगे। जैसे कि आप कोई सर्कुलर चीज़ देखे होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि साइड वाले पार्ट डार्क और बीच में लाइट होते हैं, तो इसके यानी इसमें भी हम वही करेंगे। साइड साइड थोड़ा डार्क देंगे और बीच में लाइटली देंगे। अब तक जो हम ये आई ड्रॉ किया एक टेक्निक के साथ किया ताकि हम जान सके कि हमारा जो आई है कैसा स्ट्रक्चर होते हैं, वो हम सीखने के लिए इसको इस टेक्निक के साथ किए थे। और अब हम कोई अगर फेस को ड्रॉ करेंगे तो उस टाइम में हमारा जो आई होगा वो डिपेंड करेंगे कि हमारा जो फेस है वो कितना बड़ा होगा। अगर आप बिगिनर्स हैं और शुरू से ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ को मिल जाएंगे डे बाय डे आपको ये क्लास। तो वहाँ जाइए और शुरू से वीडियो को देखिए और सीखिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बने रहिए लास्ट तक। Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time, it comes back to you. Whoa, I'm still falling. ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आई के बारे में डिटेल से जाना कि आई कैसे ड्रॉ होते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। तो आज के इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।